हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं वीवो Y21 नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नेटवर्क आईसी में। ये हमारी मेन नेटवर्क आईसी है और ये हमारी पावर आईसी है। तो इससे कुछ तीन सप्लाई गए अलग अलग वोल्टेज वाले। ये तीन वोल्टेज गए अलग अलग सप्लाई के, तो ये आपको चेक कर लेने हैं। अगर ये तीनों में से एक भी सप्लाई नहीं आएगा तो भी आपके नेटवर्क में इशू आ सकता है। और ये एक सप्लाई यहाँ से गया हुआ है हमारे 4G नेटवर्क में, तो यहाँ पे भी नहीं गया तो नेटवर्क नहीं आएगा। और एक चार्जिंग से भी सप्लाई आया, यहाँ पे भी नहीं आया तो नेटवर्क नहीं आ सकता। कई बार क्या होता है, पानी जाने से यहाँ की ट्रैकें जो है सड़ जाती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम नेटवर्क नहीं आता है। तो आपको सिंपल सा, जैसे यहाँ से ट्रैक वहाँ नहीं आ रही है तो यहाँ से जंपर उठा के यहाँ मार देना है ये कैपेसिटर पर, या तो ये यहाँ पर सीधा डायरेक्ट। तो बस देख लीजिए इस तरीके का ये डायग्राम है। ज़्यादातर इसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है 4G आईसी से ही आता है। ये वाली आईसी से बहुत कम आता है प्रॉब्लम, ये वाली आईसी से। कई बार क्या होता है, इसमें पानी चले जाता है तो बेसमेंट का इशू आ जाता है, तो बेसमेंट आई में शो करता नहीं है। तो उसके लिए आपको ये आईसी बनानी पड़ेगी। अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, 4G 3G बैंड सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो आपको ये वाली आईसी बनानी है और ये सप्लाई आपको चेक कर लेने। तो चलिए, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई दूसरी और मॉडल की वीडियो बनानी है तो आप मुझे नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।